नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। किसी भी गाड़ी चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक अहम दस्तावेज है। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर अगर आप पकड़े गए तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप समय से पहले अपने ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य लाइसेंस का रिन्यूअल करवाते रहें। हालांकि अब तक रिन्यूअल करवाने को लेकर लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता रहा है, जिसके तहत लोगों को रिन्यूअल के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि बिहार में लाइसेंस रिन्यूअल का काम और ज्यादा आसान होने वाला है। इतना ही नहीं, प्रयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार में लाइसेंस के रिन्यूअल की समयावधि बढ़ाकर 3 से 5 साल या हमेशा के लिए ऑटो रिन्यूअल की सुविधा बहाल की जा सकती है। इसको लेकर विशेष कार्यक्रम प्रभावी किए जा रहे हैं, जिसके तहत इस महीने से सरकारी कामकाज को आसान बनाने और नागरिकों पर कानूनी बोझ हटाने को लेकर प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि नागरिकों की छोटी छोटी गलतियों पर भारी जुर्माना न लगाया जाए और कैद की सजा से भी उन्हें बचाया जा सके, जिसके तहत सरकार बिहार में ईज ऑफ डूइंग और दूसरे कार्यक्रम की मदद से सरकारी कार्यालय और जनता के बीच कामकाज को आसान बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का ये प्रयास अब अंतिम दौर में भी पहुंच गया है। इस बाबत हाल ही में ट्रांसपोर्ट PHED और वाणिज्य विभाग की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान सभी विभागों ने एक मत से ईज ऑफ डूइंग और दूसरे समकक्ष कार्यक्रम की जानकारी साझा की। इसके साथ ही लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग में सुधार की प्रक्रिया तेजी से प्रभावी हो जाए, ताकि लोगों को विभागीय कामकाज आसान लगने लगे, जिसके तहत हर वर्किंग डे में 3-3 विभागों को बुला करके उन्हें ऐसे नियम और प्रक्रिया बताई जा रही है, जिससे विभागों में आने वाले समय में और सुधार किया जा सके। अब आइए आपको बताते हैं कि आप घर बैठे बैठे कैसे अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुनः रिन्यूअल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गूगल पर parivahan.gov.in सर्च करना होगा, जिसके बाद परिवहन सेवा की वेबसाइट खुलते ही आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना होगा। और अब आप अपना संबंधित राज्य चुनने के बाद अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा, जहां कुछ निर्देश दिखाई देंगे। इन निर्देशों को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। अपनी जन्मतिथि और वर्तमान लाइसेंस नंबर, पिन कोड आदि जानकारियां भरनी होंगी, जिसके बाद रिक्वायर्ड सर्विसेज पर आएंगे, जहां पर सर्विसेज दिखाई जाएंगी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी होंगी, जिसके बाद व्यक्तिगत तथा वाहन संबंधित जानकारी को फॉर्म में भरना होगा। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप आसानी से घर बैठे बैठे अपने लाइसेंस का रिन्यूअल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।